गुड मॉर्निंग टू ऑल। अपन कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो है फाइलेरिया। और ये फाइलेरिया वेक्टर बॉर्न डिजीज है या वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन है उसके अंदर आता है। तो फाइलेरिया पढ़ते हैं, फाइलेरिया कैसे होता है और इसके कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे, उसका क्या मैनेजमेंट है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फाइलेरिया। फाइलेरिया के अंदर जो लिखा हुआ है ये है लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस या एलिफेंटियोसिस। ये इस नाम से भी आ सकता है, इस नाम से भी आ सकता है, इस नाम से भी आ सकता है। यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे एलिफेंटियोसिस लिखा हुआ है। एलिफेंट का मतलब हाथी, तो उस कंडीशन के अंदर अपन बोल सकते हैं हाथी पांव का रोग, हाथी पांव रोग। ये हिंदी में बात कर सकते हैं, फाइलेरिया को इस नाम से जाना जा सकता है। उस कंडीशन के अंदर यहां पे आया है फाइलेरियोसिस, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि ये जो डिजीज है वो लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है, तो उस कंडीशन के अंदर ये इसका नाम है लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस और ये है फाइलेरिया। अब स्टार्ट करते हैं ये कैसे है, कौन कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करेगा और उनके कौन कौन से साइन सिम्टम है और क्या मैनेजमेंट है। काज बाय वुंसेरेरिया, वुंसेरेरिया बेन क्रॉप टाइप इसके द्वारा ये होता है। वुंसेरिया बेन क्रॉप टाइप की वजह से ये होता है। और इसके बाद में ब्रुग्या मेलेई एंड ब्रुग्या टिमोरी इसके कारण भी होता है। उसके बाद में ये जो लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है ये किसको अफेक्ट करेगा, अफेक्ट लिम्फेटिक सिस्टम। ये एक पैरासाइट इन्फेक्शन है। जो बिलोंगिंग ग्रुप की बात करें तो वो होता है हेल्मिंथियसिस जो ग्रुप है उससे लिया गया है, बिलोंगिंग द ग्रुप। अब फाइलेरिया की बात करें तो काज बाय वुंसेरेरिया बेन क्रॉप टाइप की वजह से होता है, जिसको इतना शॉर्ट नाम में डब्ल्यू बेन क्रॉप टाइप लिखते हैं, डब्ल्यू बेन क्रॉप टाइप के नाम से भी लिखते हैं, इतना फुल नेम नहीं लिखते हैं। तो वुंसेरेरिया बेन क्रॉप टाइप की वजह से होता है या ब्रुग्या मेलेई या ब्रुग्या टिमोरी इस वजह से होता है। ये एक मॉस्किटो होता है और ये पैरासाइट इन्फेक्शन है, जिसको कौन सी ग्रुप से बिलोंग करता है, हेल्मिंथियसिस ग्रुप से ये बिलोंग करता है। इस कंडीशन के अंदर यदि इन तीनों में से जो मॉस्किटो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है डब्ल्यू बेनक्रोफाइट जो मॉस्किटो है उसकी वजह से होता है। अब ये काज बाय, उसके बाद में ट्रांसमिटेड बाय की बात करें, ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो और कौन सा मॉस्किटो है, क्यूलेक्स मॉस्किटो एंड ब्लैक फ्लाई की वजह से ये होता है, ब्लैक फ्लाई इसके कारण होता है। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है ट्रांसमिटेड बाय, यदि मैं कहूं कि क्वेश्चन में आता है काज बाय, तो
डब्लू बेनक्रोफ्टाई की वजह से होता है या ब्रुग्या मेलई या ब्रुग्या टिमोरी की वजह से होता है। बट यदि मैं कहूं कि ये ट्रांसमिटेड बाय किसकी वजह से ट्रांसमिट होगा या वाया क्या रहेगा, तो ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, मॉस्किटो का नाम क्या है, क्यूलेक्स मॉस्किटो एंड ब्लैक फ्लाई, उसकी वजह से ये ट्रांसमिटेड होता है। अब बात करें कि रूट ऑफ ट्रांसमिशन, रूट ऑफ ट्रांसमिशन, इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन एज और सीजन, ये उसके अकॉर्डिंग हम अपने आउटलाइन के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। रूट ऑफ ट्रांसमिशन, तो रूट ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा रहेगा, लिम्फेटिक रूट रहेगा। रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये कौन सा रूट रहेगा, लिम्फेटिक रूट। लिम्फेटिक रूट देखने को मिलेगा। और उसके बाद में मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, लिम्फेटिक रूट एंड बाय स्किन, स्किन के थ्रू जाए या बॉडी के अंदर, जैसे कोई भी इंफेक्शन है वो किसके थ्रू जाएगा, बाय स्किन, स्किन के थ्रू, या वो बॉडी के अंदर जाकर के कहां पे लिम्फेटिक सिस्टम है उसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा, मॉस्किटो, बाय मॉस्किटो, बाय मॉस्किटो, जो मैंने आपको मॉस्किटो दिखाया है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहेगा। यदि एज की बात करें, एज की बात करें, कैन बी अफेक्ट एनी एज ग्रुप, एनी एज ग्रुप को भी अफेक्ट कर सकते हैं। सीजन की बात करें, सीजन की बात करें, सीजन की बात करें, एनी सीजन, एनी सीजन, जहां पे इन्फेक्टेड इन्फेक्शन होगा वहां से ये अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद में बात करें, ये हो गया बेसिक, हो गया इसके अंदर किस वजह से होता है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उसके बाद में एज क्या है, सीजन क्या है, और उसके बाद में अपन पढ़ते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड की बात करें, इनक्यूबेशन पीरियड आईपी, इनक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 8 to 16 months ये इनका इनक्यूबेशन पीरियड रहेगा, 8 to 16 months इसका इनक्यूबेशन पीरियड रहेगा। अब अपन बात करते हैं कि इनका पैथोफिजियोलॉजी क्या कहता है, तो पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं, पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी नीचे लिख देता हूं, ऊपर मेरे हिसाब से नहीं दिखता होगा, यहां पे लिखेगा पैथोफिजियोलॉजी क्या कहता है। तो सबसे पहले लिखते हैं, कैजुएटिव एजेंट, कैजुएटिव एजेंट, कैजुएटिव एजेंट लाइव इन लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ बॉडी, ऑफ बॉडी, बॉडी के जो कैजुएटिव एजेंट है, जो मैंने आपको डब्ल्यू बेनक्रोफ्टाई लिखाया था, वो बॉडी के अंदर कहां पे रहता है, लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर वहां मिलेगा, या लिम्फ नोड है वहां पे जाकर के ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो कैजुएटिव एजेंट लाइव इन लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द बॉडी, उस कंडीशन के अंदर, इसके अंदर क्या होगा, मेल पैरासाइट होगा, मेल पैरासाइट एंड फीमेल पैरासाइट, फीमेल पैरासाइट, मेल एंड फीमेल पैरासाइट,
when the male female parasite gravid या pregnant, जब फीमेल पैरासाइट है वो प्रेग्नेंट होगा तो प्रोड्यूस जब क्या करेगा, एग प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, एग प्रोड्यूस करेगा, एग क्या करेगा, प्रोड्यूस एग प्रोड्यूस करेगा, और उस कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या बनेगा, माइक्रो फाइलेरिया का फॉर्मेशन होगा, जिसको बोलते हैं एमएफ, माइक्रो और फाइलेरिया जिसको बोलते हैं एमएफ, माइक्रो फाइलेरिया का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिएगा कि पैथोफिजियोलॉजी ये कह रहा है कि कैजुअल एजेंट लाइक इन द लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द बॉडी, उस कंडीशन के अंदर पैरासाइट जो है वो मेल पैरासाइट और फीमेल पैरासाइट रहेगा, जब फीमेल पैरासाइट इज द प्रेग्नेंट या ग्रेविड देन प्रोड्यूस द एग, और इस एग को क्या बोलेंगे, माइक्रो फाइलेरिया एमएफ। अब ये देखते हैं उसके बाद में, जब माइक्रो फाइलेरिया प्रोड्यूस किया है या फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रो फाइलेरिया इन द ह्यूमन बॉडी, क्या बना है, माइक्रो फाइलेरिया हुआ है, उस कंडीशन के अंदर आके लिखिएगा, दीज माइक्रो फाइलेरिया सर्कुलेट इन द ब्लड। ये माइक्रो जो फाइलेरिया बना था वो किसके अंदर सर्कुलेट हो गया, इन द ब्लड, एंड देयर इज पिक्ड बाय मॉस्क्यूटो from blood। अब इसमें लिखा हुआ है दीज माइक्रो फाइलेरिया सर्कुलेट इन द ब्लड, ये जो बॉडी के अंदर माइक्रो फाइलेरिया का फॉर्मेशन हुआ था वो फॉर्मेशन सर्कुलेट किसके अंदर होगा, ब्लड के अंदर, और देर आर पिक्ड बाय मॉस्क्यूटो फ्रॉम द ब्लड, ये जो माइक्रो फाइलेरिया बना था तो वो कोई भी नॉन इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो आएगा भी, ये जो मॉस्क्यूटो है इसमें कौन सा टाइप का मॉस्क्यूटो है, नॉन इन्फेक्टिव मॉस्क्यूटो नॉन इन्फेक्टिव मॉस्क्यूटो क्या करेगा, पिक्ड द ब्लड। अब देखो कि इसमें ये लिखा हुआ है, जब एग का प्रोड्यूशन होता है तो उस कंडीशन के अंदर माइक्रो फाइलेरिया बनेगा, और माइक्रो फाइलेरिया बॉडी के ब्लड के अंदर सर्कुलेट होगा, उस कंडीशन के अंदर नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो वहां आकर के उस ब्लड के साथ में जो माइक्रो फाइलेरिया बना है वो पिकडअप करेगा, उसके बाद में क्या होगा, इन मॉस्किटो के अंदर क्या होगा आगे देखिए, इन मॉस्किटो अभी तक ह्यूमन बींग के अंदर हो रहा था, अब यह है मॉस्किटो, वेरियस चेंजेस देखने को मिलेगा जिस कंडीशन के अंदर क्या होगा, रप्चर ऑफ कवरिंग जो कवरिंग है उसके बाद में क्या होगा, उस कवरिंग का रप्चर हो जाएगा, और उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, डेवलप द लार्वा का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अब देखिएगा उस कंडीशन के अंदर रप्चर ऑफ द कवरिंग होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वेरियस चेंजेस आएगा, उस वेरियस चेंजेस के अंदर क्या होगा, स्टेज फर्स्ट, फिर बाद में स्टेज सेकेंड,
सेकेंड एंड स्टेज थर्ड का फॉर्मेशन होगा और रप्चर ऑफ कवरिंग होगा और जिसकी वजह से डेवलपमेंट लार्वा होगा। और उसके बाद में विश आगे लिखिएगा विश थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा थर्ड स्टेज ऑफ द लार्वा बिकम इन मॉस्किटो ऊपर लिख रहा हूं इन मॉस्किटो देन दिस मॉस्किटो बिकम इन्फेक्टिव यू। अब देखिएगा कि कहां से यहां से स्टार्ट करना ना दिस माइक्रो फाइलेरिया सर्कुलेट इन द ब्लड। जब माइक्रो जो फाइलेरिया का जो बना फॉर्मेशन होगा तो वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट होगा एंड दीज आर फिक्ड बाय द मॉस्किटो फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से जो माइक्रो फाइलेरिया हुआ है वो फिक्ड करेगा नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो आकर के। उसके बाद में क्या होगा इन मॉस्किटो के अंदर अब क्या होगा जो माइक्रो फाइलेरिया लेकर के गया था उस कंडीशन के अंदर वेरियस सेंसेस देखने को मिलेगा। वेरियस सेंसेस के अंदर क्या होगा कि स्टेज फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का फॉर्मेशन होगा और उस कंडीशन के अंदर जो इस जो माइक्रो फाइलेरिया का क्या होगा रप्चर ऑफ द कवरिंग उस कवरिंग की क्या होगी रप्चर होगी और थर्ड स्टेज का फॉर्मेशन बनेगा और डेवलप द लार्वा। जो ये है जो थर्ड स्टेज है इज द मैच्योर स्टेज थर्ड स्टेज जो मैच्योर स्टेज होती है जिसको क्या बोलते हैं लार्वा। और दिस थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा बिकम इन मॉस्किटो यदि वो थर्ड स्टेज मॉस्किटो के अंदर है तो देन दिस मॉस्किटो बिकम इन्फेक्टिव तब मॉस्किटो क्या हो जाएगा इन्फेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद में आगे देखते हैं देन द मॉस्किटो इज इन्फेक्टिव। आगे देखिए विस दिस आगे विस दिस इन्फेक्टिव मॉस्किटो बाय टू नॉन इन्फेक्टिव पर्सन then person become infective। ये कंडीशन देखने को मिलेगी उस कंडीशन के अंदर then this mosquito become infective। तो उस कंडीशन के अंदर मॉस्किटो के अंदर जो थर्ड स्टेज लार्वा बना था वो उस कंडीशन के अंदर मॉस्किटो क्या हो गया इन्फेक्टिव हो गया। विस दिस इन्फेक्टिव मॉस्किटो बाइट टू द नॉन इन्फेक्टेड पर्सन। अब जो लार्वा बना था उस कंडीशन के अंदर मॉस्किटो क्या हो गया इन्फेक्टिव हो गया है और उस कंडीशन के अंदर इन्फेक्टिव मॉस्किटो जब बाइट करेगा नॉन इन्फेक्टिव पर्सन को तो देन पर्सन बिकम द इन्फेक्टिव। ये इसका पैथोफिजियोलॉजिकल है। एक बेसिक डायग्राम के द्वारा मैं बता रहा हूं कि आपको कैसे इसका पैथोफिजियोलॉजी होता है। अब देखिएगा मैंने आपको ये थ्योरी लिखवाया है। अब देखिए सबसे पहले लिम्फेटिक या लिम्फेटिक सिस्टम को जो फाइलेरिया का जो एजेंट रहता है कैजुअल एजेंट रहता है वो कहां रहता है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर रहेगा या लिम्फ नोड के अंदर रहेगा लिम्फ नोड के अंदर जहां जहां पे बॉडी के अंदर लिम्फ नोड है वहां पे ये इन्फेक्टिव करेगा या इन्फेक्शन करेगा। तो कैजुअल एजेंट कहां रह रहा है
लिम्फेटिक सिस्टम में या लिम्फ नोड के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर मेल पेरासाइट एंड फीमेल पेरासाइट होते हैं, फीमेल पेरासाइट। अब देखिएगा व्हेन द फीमेल पेरासाइट ग्रेविड हो रहा है प्रेग्नेंट हो रहा है या, तो उस कंडीशन के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, एग। उस कंडीशन के अंदर एग प्रोड्यूस हुआ, उस कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर क्या फॉर्मेशन होगा, माइक्रोफाइलेरिया जिसको बोलते हैं MF। अब माइक्रोफाइलेरिया बॉडी के अंदर फॉर्मेशन हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर माइक्रोफाइलेरिया का फॉर्मेशन होगा माइक्रोफाइलेरिया। उस कंडीशन के अंदर एक नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो आएगा और उसको क्या करेगा, पिक अप करेगा, नॉन इन्फेक्टिव मॉस्किटो, नॉन इन्फेक्टिव मॉस्किटो आएगा और उसको माइक्रोफाइलेरिया को पिक करेगा, मतलब उसको माइक्रोफाइलेरिया लेके जाएगा। अब उस कंडीशन के अंदर इन मॉस्किटो के अंदर क्या होगा, इन मॉस्किटो अब उस मॉस्किटो के अंदर क्या होगा कि उस कंडीशन के अंदर उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, मैच्योर कंडीशन होगा, वेरियस चेंजेस देखने को मिलेगा मॉस्किटो के अंदर, उस कंडीशन के अंदर जो स्टेज फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेज का फॉर्मेशन होगा, वेरियस चेंजेस होगा और उस कंडीशन के अंदर स्टेज का फॉर्मेशन होगा, फर्स्ट सेकेंड देन थर्ड स्टेज का फॉर्मेशन होगा और थर्ड स्टेज को मैच्योर स्टेज बोलते हैं, मैच्योर स्टेज, और उस स्टेज को क्या बोलते हैं, लार्वा। अब मॉस्किटो के अंदर लार्वा का फॉर्मेशन हो गया, इसका मतलब है कि मॉस्किटो क्या है, अब मॉस्किटो के अंदर क्या हो गया, इन्फेक्शन आ गया। अब मॉस्किटो के अंदर इन्फेक्टिव हुआ है, लार्वा का फॉर्मेशन हो गया है, तो उस कंडीशन के अंदर ये नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को यदि बाइट करेगा, नॉन इन्फेक्टिव पर्सन को बाइट करता है, तो उस कंडीशन के अंदर पर्सन क्या हो जाएगा, इन्फेक्टिव। ये तो ये एक डायग्राम है, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि ये लिम्फ नोड होता है, लिम्फ नोड के अंदर होता है जिसके अंदर मेल पेरासाइट और फीमेल पेरासाइट होता है, और फीमेल पेरासाइट जब ग्रेविड होती है तो प्रोड्यूस क्या करेगी, एग का प्रोड्यूस करेगा, और उस एग का प्रोड्यूस करता है तो बॉडी के अंदर क्या का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोफाइलेरिया जिसको बोलते हैं MF, और माइक्रोफाइलेरिया का फॉर्मेशन होता है, और माइक्रोफाइलेरिया बॉडी के अंदर फॉर्मेशन हुआ तो उस कंडीशन के अंदर नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो आएगा और उस जो माइक्रोफाइलेरिया है उसको फेक्ट कर देगा, वहां से बाइट करके वो अपने मॉस्किटो अपने साथ ले जाएगा, और उस कंडीशन के अंदर इन मॉस्किटो के अंदर वेरियस चेंजेस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। उस कंडीशन के अंदर स्टेज फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेज का फॉर्मेशन होगा इन द मॉस्किटो, और मॉस्किटो के अंदर थर्ड स्टेज का फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब हुआ है कि ये स्टेज है जो मैच्योर हो गई, और उस कंडीशन के अंदर जो जो कवरिंग है उस कवरिंग का क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, और रप्चर होने की वजह से लार्वा का फॉर्मेशन हुआ। अब लार्वा का फॉर्मेशन इन द मॉस्किटो, इस कंडीशन के अंदर अपन बोल सकते हैं कि मॉस्किटो अभी क्या हुआ है, इन्फेक्टिव हुआ है, और जब मॉस्किटो इन्फेक्टिव हुआ है तो व्हेन द नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो नॉन इन्फेक्टिव पर्सन को यदि वो बाइट करेगा तो उस कंडीशन के अंदर उसके अंदर इन्फेक्शन चला जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर नॉन इन्फेक्टिव मॉस्किटो को यदि लार्वा बना हुआ मॉस्किटो बाइट करेगा तो उस कंडीशन के अंदर उस पर्सन के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, और वो कौन सी डिजीज हो जाएगी, फाइलेरिया। ये उनका पैथोफिजियोलॉजी। अब इसका स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल फीचर, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर
क्लिनिकल फीचर के अंदर कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे जिसमें फीवर दिखेगा, उस कंडीशन के अंदर क्या रहेगा, फीवर देखने को मिलेगा, उस कंडीशन के अंदर ऑर्थाइटिस देखने को मिलेगा, ऑर्थाइटिस, उस कंडीशन के अंदर एलिफेंटियसिस ऑफ वेरियस ऑर्गन, एलिफेंटियसिस ऑफ वेरियस ऑर्गन, वेरियस ऑर्गन का क्या होगा, एलिफेंटियसिस होगा, उस कंडीशन के अंदर हाइड्रोसिल देखने को मिलेगा, हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल देखने को मिलेगा, उस कंडीशन के अंदर लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलेगा, लिम्फ एडिनोपैथी, लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलेगा, उस कंडीशन के अंदर उस पर्सन को क्या रहेगा, काइलुरिया रहेगा, काइलुरिया, काइलुरिया देखने को मिलेगा, ये मोस्टली क्लिनिकल सिम्टम देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि उस सबसे पहले क्लिनिकल फीचर के अंदर लिखा हुआ है फीवर, तो फीवर किसकी बॉडी के कौन से ऑर्गन को इन्फेक्ट कर रहा है, लिम्फ नोड को, तो उस कंडीशन के अंदर अपन बोल सकते हैं कि लिम्फेटिक फीवर देखने को मिलेगा, लिम्फेटिक फीवर बोल सकते हैं। ऑर्थाइटिस का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन ऑफ द, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस, एलिफेंटियसिस ऑफ वेरियस ऑर्गन, एलिफेंटियसिस का मतलब हाथी जैसे पांव हो जाते हैं वेरियस ऑर्गन का, कौन कौन से ऑर्गन का, हाथी पांव, हाथी पांव जैसे बड़े बड़े हो जाते हैं जिसमें लेग, लेग, आर्म, टेस्टिस, लेग, आर्म, टेस्टिस, ब्रेस्ट, ब्रेस्ट और वल्वा, ये है जो है एलिफेंटियसिस की तरह रोग, मतलब ये ऑर्गन देखने को मिलेंगे, हाथ पैर है उस पर्सन का क्या करेगा, फूल जाएगा, बहुत सारे आपने पर्सन को देखा होगा, उस कंडीशन के अंदर हाइड्रोसिल देखने को मिलेगा, हाइड्रोसिल इसका मतलब है हाइड्रो इज रिलेटेड टू वॉटर, फ्लूड फिल, फ्लूड फिल अराउंड द, अराउंड द टेस्टिस, टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर क्या हुआ, फ्लूड का फ्लूड है, उस कंडीशन के अंदर लिम्फ एडेनोफेट देखने को मिलेगा, लिम्फ नोड का इन्फ्लेमेशन ऑफ, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड, लिम्फ नोड का क्या रहेगा, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, और इस कंडीशन के अंदर काइलुरिया है, काइल इन द यूरिन, काइलुरिया का मतलब होता है काइल इन द यूरिन, काइल जो मिल्की यूरिन होता है ना, जिसमें होता है मिल्की वाइट, मिल्की वाइट यूरिन का फॉर्मेशन होगा तो वाइट वाइट यूरिन आएगा, जिसे जिसको बोलते हैं काइलुरिया, काइलुरिया का मतलब काइल इन यूरिन, और ये काइल किस प्रकार का होता है, मिल्की वाइट, मिल्की वाइट की तरह होता है, तो ये सिम्टम देखने को मिलेगा। मोस्टली जो सिम्टम है हाथी पांव रोग, जैसे कि हाथ है पैर है वो क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, सूजन आ जाएगा, ये कंडीशन देखने को मिलेगी मोस्टली। अब देखते हैं इसका डायग्नोसिस, डायग्नोसिस क्या क्या होगा, क्लिनिकल फीचर इंपोर्टेंट है इसका, इसका कैजुअल टू ऑर्गेनिज्म और उसका पैथोफिजियोलॉजी कैसे पैथोफिजियोलॉजी करता है, ये इंपोर्टेंट है। अब देखते हैं डायग्नोसिस, डायग्नोसिस की बात करें, इन्वेस्टिगेशन है ना, इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी जांच करेंगे, तो उस कंडीशन के अंदर, उस कंडीशन सबसे पहले अपन कह सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उस कंडीशन के अंदर उस पर्सन के क्या देखेंगे, साइन सिम्टम देखेंगे, उस कंडीशन के अंदर ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन,
ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सबसे पहले कैपिलरी ब्लड लेंगे, कैपिलरी ब्लड लेंगे। उसके बाद में टाइम की बात करें, ब्लड इन्वेस्टिगेशन मतलब ब्लड कब लेंगे, टाइम की बात करें 8 PM to 12 AM, रात को 8 बजे से लेकर के रात को 12 बजे। इसका मतलब क्या हुआ, ड्यू टू, क्यों ऐसा क्यों करते हैं, तो लिखिएगा देयर इज इंक्रीज नंबर, देयर इज इंक्रीज नंबर ऑफ माइक्रोफाइलेरिया इन ब्लड, देयर इज इंक्रीज नंबर ऑफ माइक्रोफाइलेरिया इन द ब्लड, देयर इज इंक्रीज नंबर ऑफ द माइक्रोफाइलेरिया इन द ब्लड। उसके बाद इन डे टाइम दीज माइक्रोफाइलेरिया गो बैक टू लिम्फेटिक सिस्टम। और उसके बाद में क्या करेंगे, स्लाइड टेस्ट। और स्लाइड टेस्ट के अंदर भी जो थिक एक स्लाइड होती है और एक थिन स्लाइड लेते हैं, और थिक स्लाइड का यूज करते हैं, थिक स्लाइड नंबर ऑफ पैरासाइट चेक करते हैं, थिक स्लाइड के नंबर ऑफ पैरासाइट उसको चेक करते हैं। अब ये है इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है कि फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उस कंडीशन के अंदर उसका लेग है, आर्म है, उसको देखेंगे कि उनके शरीर में स्वेलिंग, सूजन, इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है। उस कंडीशन के अंदर उस ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो कैपिलरी ब्लड लेंगे, आपने देखा होगा कि ब्लड शुगर जांच करते हैं, शुगर की जांच करते हैं, डायबिटीज करते हैं, ये कैपिलरीज यहां से लेते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी कैपिलरीज टेस्ट करेंगे। उस कंडीशन के अंदर टाइम की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम, उस कंडीशन टाइम 8 PM to 12 AM के बीच में लेंगे, क्यों लेंगे, देयर इज द इंक्रीज नंबर ऑफ द माइक्रोफाइलेरिया इन द ब्लड। यदि इस टाइम के अंदर क्या होता है, माइक्रोफाइलेरिया है वो ब्लड के अंदर ज्यादा सर्कुलेट रहता है, एक्टिव रहता है, दिन के अंदर क्या होता है, इन दैट टाइम दीज माइक्रोफाइलेरिया गो बैक टू लिम्फेटिक सिस्टम, दिन के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर बैक्टीरिया रहेगा, सॉरी पैरासाइट रहेगा, और रात के अंदर ब्लड के साथ सर्कुलेट होगा। तो उस कंडीशन के अंदर 8 PM to 12 AM के बीच में ये सैंपल लेंगे, और सैंपल किस प्रकार का लेंगे, कैपिलरी ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे। उसके बाद में स्लाइड टेस्ट भी करते हैं, स्लाइड टेस्ट के अंदर आपका आपने देखा होगा ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर स्लाइड के ऊपर दो टाइप की स्लाइड होती है, एक तो होती है थिन और एक होती है थिक, तो थिक होती है वो स्लाइड के अंदर नंबर ऑफ पैरासाइट को चेक करते हैं, और थिन स्लाइड होती है तो उसके अंदर क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस, उसके बारे में देखते हैं किस टाइप का है, और जो थिक है उस कंडीशन के अंदर करते हैं नंबर ऑफ पैरासाइट चेक, कि कितने पैरासाइट इसमें संख्या है, ये अपने चेक करते हैं। तो ये हो गया अपने इन्वेस्टिगेशन इन द फाइलेरिया या एलिफेंटिसिस के अंदर। इसके अंदर ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसमें टाइम का थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि नाइट टाइम के अंदर जो माइक्रोफाइलेरिया होता है वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट ज्यादा रहता है या एक्टिव ज्यादा रहता है, तो उस कंडीशन के अंदर टेस्ट अच्छे तरह से जल्दी से आ जाएगा। उसके बाद में है मैनेजमेंट, अब देखते हैं मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट की बात करें, ड्रग्स ऑफ चॉइस DEC, इसके अंदर क्या होते हैं, ड्रग्स ऑफ
साइज डीईसी। डीईसी की फुल फॉर्म क्या है? डाई इथाइल, डाई इथाइल कार्बेजिन, कार्बेजिन डाई इथाइल कार्मेजिन, कार्मेजिन 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 डाइथाइल कार्मेजिन, ये है ड्रग्स ऑफ सॉइल। उसके बाद में है, ये कैसे देंगे डोज की बात करें, 6 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट, पर केजी ऑफ बॉडी वेट, बॉडी वेट जी बॉडी वेट इनटू डे फॉर 12, डे फॉर 12 डेज, 12 दिन के लिए ये देंगे। उसके बाद में आफ्टर डीसी AFTR, आफ्टर डीसी, डीसी देने के बाद में आफ्टर डीसी कोर्स देन इवरमेक्टिन, इवरमेक्टिन, इवरमेक्टिन देंगे सिंगल डोज। कितना देंगे? शुड बी गिवन सिंगल डोज, सिंगल डोज कितना एम जी? 200 to 400 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देंगे, बॉडी वेट के हिसाब से उस पर्सन को देंगे। और उसके अंदर ये देंगे, ये ऑरली देंगे, ऑरली सिंगल डोज है तो इसमें यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 डेज, 1 दिन, 1 डेज के लिए देंगे। इसके बाद में है इन इन एंडेमिक, इन एंडेमिक एरिया, इन एंडेमिक एरिया डीसी मेडिक, डीईसी मेडिकेटेड चाइल्ड, डीईसी मेडिकेटेड चाइल्ड इज यूज्ड फॉर 4 to 6 months। यहां पे थोड़ा एक चेंज कर लेना, डाइथाइल कार्बे मेथेन, डाइथाइल कार्बे मेथेन, डाइथाइल कार्बे मेथेन, देखो ऐसे लिखना है, डाइथाइल कार्बे मेथेन डी ई और सी, जिसको बोलते हैं डी ई और सी, ठीक है। अब देखो मैनेजमेंट की बात करें तो ड्रग्स ऑफ सॉइल्स डीओसी, ये है डीसी है डीओसी इन द फाइलेरिया, डाई इथाइल कार्बेजाइन, डाई इथाइल कार्बेजाइन होती है। और वो डोज है, डोज की बात करें तो 6 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देंगे इनटू डे फॉर 20 डेज, सॉरी 12 डेज, तो 12 दिन तक ये ड्रग्स देंगे, ये ड्रग्स ऑफ सॉइस है। उस कंडीशन के अंदर आफ्टर डीईसी कोर्स, मतलब ये 12 दिन देने के बाद में देन इवरमेक्टिन, इवरमेक्टिन शुड बी गिवन सिंगल डोज, डोज की बात करें तो 200 to 400 माइक्रोग्राम पर के जो बॉडी वेट के हिसाब से उस पर्सन को देंगे। और रूट की बात करें तो ओरली रूट से जाएगा, और कितने दिन के लिए पहले ही बता दिया है सिंगल डोज है तो एक जाएगा, पहले 12 दिन तक ये देना है, उसके बाद में इवरमेक्टिन देना है 1 डे। और वो एमजी की बात करें तो 200 to 400 माइक्रोग्राम पर के जी बॉडी वेट के हिसाब से उस पर्सन को देंगे। उस कंडीशन के अंदर यदि इन एंडेमिक एरिया है, एंडेमिक का मतलब क्या हुआ,
ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर डीसी मेडिकेट साल्ट, जो डीसी मेडिकेट साल्ट होता है उसको क्या करते हैं, यूज फॉर द 4 to 6 months के लिए छिड़काव करते हैं। जैसे कि जहां पे एक एपिडेमिक एरिया है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस है वो एक पेंडेमिक का रूप ले लिया है, तो उसी प्रकार से एपिडेमिक का मतलब क्या हुआ, सॉरी एंडेमिक का मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल मतलब ये कम्युनिटी की बात कर ले, तो उस कंडीशन के अंदर इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर डीसी मेडिकेट साल्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मॉस्किटो या डेंगू या मलेरिया होता है, उस कंडीशन के अंदर मॉस्किटो को डिस्ट्रॉय करने के लिए फॉगिंग करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर डीडीटी का छिड़काव करते हैं, उसी प्रकार से डीसी मेडिकेटेड साल्ट आता है तो उसका यूज करते हैं 4 to 6 months के लिए। उसके बाद में है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन 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 सेम एज डेंगू। डेंगू के अंदर जो प्रिवेंशन किया था उस हिसाब से भी करेंगे, जैसे कि वेक्टर कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, यूज मॉस्किटो बेड नेट यूज करेंगे, उस कंडीशन के अंदर यूज ऑफ मॉस्किटो रेपेलेंट्स जिसमें ओडोमास जो लाते हैं यूज करते हैं डेली, उस कंडीशन के अंदर wear full sleeve cloth during day and night time। उसके अंदर केमिकल स्प्रे करेंगे, केमिकल का स्प्रे करेंगे जिसमें क्या करेंगे, डीडीटी ये करेंगे। तो जिस प्रकार से डेंगू का आपने प्रिवेंशन किया था, प्रिवेंशन था, उसी प्रकार से इसका भी प्रिवेंशन सेम रहेगा, उस कंडीशन के अंदर बेड नेट का यूज करेंगे, उस कंडीशन के अंदर मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज करेंगे, और उसके बाद में फुल कपड़े पहनेंगे सुबह शाम मॉर्निंग नाइट कभी भी, उस कंडीशन के अंदर केमिकल स्प्रे भी करेंगे, ये हो गया अपने फाइलेरिया। तो की पॉइंट की बात करें, तो फाइलेरिया या एलिफेंटियसिस, तो ये एक लिम्फेटिक इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं इस कंडीशन के अंदर, और ये है बोन्सेरेरिया बेनक्रोफ्टाइट, जो पेरासाइट मॉस्किटो होता है उसकी वजह से होता है, ये मोस्ट कॉमन कॉज है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 8 to 16 months के बीच में इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। एज की बात करें, एनी एज ग्रुप अफेक्ट करेगा, सीजन की बात करें एनी सीजन अफेक्ट करेगा, और रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें कौन से रूट से जाएगा, बाइट द मॉस्किटो बाय स्किन, तो रूट हो गया, और उसके बाद में मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो क्यूलेक्स मॉस्किटो या ब्लैक फ्लाई उसकी वजह से होता है, या मॉस्किटो से, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, या किसके माध्यम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि पैथोफिजियोलॉजिकल की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या हो रहा है कि जो कंजक्टिव एजेंट लाइव इन द लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ नोड के अंदर होता है, तो मेल और फीमेल होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जब फीमेल ग्रेविड होती है तो उस कंडीशन के अंदर एग प्रोड्यूस करेंगे, और एग जो प्रोड्यूस करेंगे उस ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर उसको किस नाम से जानेंगे, माइक्रोफाइलेरिया MM।
जब माइक्रोफाइलेरिया बॉडी के अंदर फॉर्मेशन हुआ तो उस कंडीशन के अंदर नॉन इन्फेक्टिव मॉस्किटो आएगा और उस कंडीशन के अंदर बाइट करेगा, तो उस कंडीशन के अंदर जो माइक्रोफाइलेरिया जो ह्यूमन के अंदर है वो पिक्ड अप करके लेके जाएगा और उस कंडीशन के अंदर मॉस्किटो के अंदर वेरियस चेंजेस देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर रप्चर ऑफ द कवरिंग होगी, उस कंडीशन के अंदर स्टेज फर्स्ट सेकंड और थर्ड का फॉर्मेशन होगा और थर्ड स्टेज फॉर्मेशन हुआ तो उस कंडीशन के अंदर मैच्योर स्टेज के नाम से जाना जाता है और मैच्योर स्टेज के अंदर लार्वा का क्या होगा डेवलपमेंट। अब इन द लार्वा इन द मॉस्किटो, यदि लार्वा का फॉर्मेशन मॉस्किटो हुआ है तो उस कंडीशन मॉस्किटो के अंदर हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर अपन बोल सकते हैं कि अब मॉस्किटो है जो इन्फेक्टिव है इन्फेक्टेड है। अब ये मॉस्किटो यदि किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा तो उस कंडीशन के अंदर उस पर्सन के अंदर इन्फेक्शन जाने की संभावना रहती है और डिजीज का फाइलेरिया डिजीज का फॉर्मेशन होता है, फाइलेरिया डिजीज होगा। ये है पैथोफिजियोलॉजिकल। उसके बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलेगा उस कंडीशन के अंदर। सबसे मैं इंपोर्टेंट बात करूं तो उस कंडीशन के अंदर एलिफेंटियसिस ऑफ द वेरियस ऑर्गन देखने को मिलेंगे। हाथी पांव जैसे रोग, हाथी पांव जैसे स्वेलिंग सूजन वाला बड़े बड़े पांव देखेंगे, हाथ देखेंगे, उस कंडीशन के अंदर सूजन स्वेलिंग रहेगा। उस कंडीशन के अंदर हाइड्रोसिल देखने को मिलेगा और साइटिस देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर इन्फेक्शन ऑफ द लिम्फ नोड, देन इज पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर, फीवर कॉज करेगा और इस प्रकार का जो फीवर है उसको लिम्फेटिक फीवर के नाम से जाना जाएगा। ये सिम्टम बेसिक सिम्टम देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग इडिमा रहेगा लिम्फ नोड के अंदर, ये सब देखने को मिलेगा। उसके बाद में डायग्नोसिस के बाद में उस पर्सन का साइन सिम्टम देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उस कंडीशन के अंदर उसके हाथ है पांव है वो बहुत फूले हुए हैं, जैसे हाथी के पांव होते हैं इस प्रकार के बड़े बड़े हाथ पांव देखेंगे। उस कंडीशन के अंदर ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ब्लड इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सबसे पहले कैपिलरीज, जो कैपिलरी होती है वहां का सैंपल लेंगे, कैपिलरी सैंपल लेंगे। और कैपिलरी सैंपल की बात करें तो कब लेना है, 8 to 12 AM के अंदर, 20 में लेना है, रात को 8 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर माइक्रोफाइलेरिया होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है ब्लड के अंदर होता है। और जैसे ही दिन आता है तो उस कंडीशन के अंदर गो बैक इन द ब्लड लिम्फ नोड, लिम्फ नोड के अंदर वापस चला जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर रात में करते हैं। उस कंडीशन के अंदर एक स्लाइड टेस्ट करेंगे। स्लाइड टेस्ट के अंदर दो प्रकार की स्लाइड होती है, जिसमें थिन और थिक होती है, और थिक होती है वो चेक करते हैं नंबर ऑफ द पैरासाइट, और जो थिन होती है वो करते हैं टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया पैरासाइट फंगस उसके बारे में। उसके बाद में डायग्नोसिस सॉरी मैनेजमेंट के अंदर ड्रग्स ऑफ चॉइस डीईसी के बाद में जो मेडिसिन देंगे वो देंगे इवरमेक्टिन और ये देंगे, ये सिंगल डोज देंगे, डीसी देंगे 12 दिन के लिए और इवरटिन देंगे 1 डे। तो ये ड्रग्स देंगे और उस कंडीशन के अंदर उस पर्सन को क्या करेंगे, जो प्रिवेंशन की बात करें तो डेंगू में जो प्रिवेंशन करते थे वेक्टर बोर्न करेंगे, डीजीसी का छिड़काव करेंगे, फुल क्लोज पहनेंगे और उस कंडीशन के अंदर उसके ओडोमास यूज करेंगे। तो आज आपका जो फाइलेरिया जो डिजीज है वो कंप्लीट हुई है। धन्यवाद।